So, yo, what's up, guys? Welcome back to Sata Vlog Channel.
अपने वेबकैम दिखा देता हूँ। ये कुछ हमारा वेबकैम है जो कि है HP का W100 जो कि 640p का है। भाई उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि भाई ये इतना बर्बाद कैमरा है। तो हम इसको अभी क्लास अटेंड करने के लिए यूज़ कर लेते थे, और अभी क्योंकि कुछ दिन ये रहा ना तो घर में चूहों की प्रॉब्लम हो गई, तो चूहों की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आप देखोगे ना ध्यान से, ये चूहों ने इसके तार काट दिए, डैमेज हो गए। ये कुछ हमारा, अगर हम मान लो हम सिंपल लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना, तो ये कुछ हमारा लाइव स्ट्रीम का सेटअप हो गया। और आप ये सोच रहे हो कीबोर्ड माउस टेबल पे हाइट तो बहुत अच्छी हो गई, तो इसके लिए हमारे पास स्टूल है अलग से जो कि इसकी हाइट का है, तो उस पर मैं माउस रख लेता हूँ, गोदी में अपना कीबोर्ड रख लेता हूँ, तो वैसे हम आराम से गेमिंग भी कर लेते हैं। और एक बार मैं आपको अपना CPU भी दिखा देता हूँ। और उससे पहले ये हमारे हेडफोन्स हैं Equinox Orion, इसमें लाइट शिफ्ट का ऑप्शन है, लाइट चेंज हो जाती है, RGB में ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, फुल नॉइज कैंसिलेशन है, 7.1 वाले हेडसेट है। और ये कुछ सेटअप है, और आराम से हम अपना PC ऑपरेट कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से गेम और बाकी जो भी चलाना है तो आराम से काफ़ी चला सकते हैं। और भाई बहुत ही ये जो पोजिशन है ना इस बार इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अभी आगे देखो, आगे आपको मैं ढंग से कंपोनेंट्स दिखाऊंगा। लेट्स गो। सो गाइस टेबल के नीचे का लुक कुछ ऐसा है, क्योंकि देखो टेबल के नीचे हमारा एक तो हमारा बड़ा सा साउंड सिस्टम लगा है 5.1 वाला, तो वो 5.1 नहीं है, अभी मैंने वो 3-4 बाकी के 2 स्पीकर हटा दिए, और ये 2 स्पीकर रखे हुए हैं कि कभी भी गाने वाने सुनना हो तो माहौल उठा देंगे। बाकी अभी ये कुछ ऐसा है, इसको हम अभी ओपन करते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि देखो धूल कितनी ज़्यादा जम गई है इस पर, तो पूरा क्लीन करेंगे, चमका देंगे, फिर मजे से वीडियो। सो लेट्स गो। चलिए गाइस हमने अपना जो ये है PC, इसको हम लिया है पूरा, तो इसको हम पहले नंबर क्लीन करेंगे। अभी इसका अंदर वाला हिस्सा कंप्लीट अभी क्लीन नहीं करना, पहले नीचे का साइड से ये देखोगे ना, अभी मैं ये निकालता हूँ इसके, ये है ना, ये सब धूल लगी हुई है इसके ऊपर, तो ये पहले क्लीन करेंगे। कैमरा देख पा रहे हैं तो गाइस आखिर कैमरा वाइड 180 मतलब पूरा वाइड एंगल पे आ गया कैमरा। तो पहले नंबर तो हमने इसे क्लीन कर लिया, नीचे से इसका जो PSU वाला हिस्सा है ना, यहाँ धूल लग जाती है, क्योंकि ये नीचे फैन लगा है, तो वो फैन भी हवा खींचता है ना, उस चक्कर में दिक्कत होती है। तो अब इसको हम खोल लेते हैं, 4 नट है, थोड़ा सा पास रख देते हैं, थंबनेट्स हैं तो भाई ज़्यादा उतनी डिफिकल्टी होती नहीं है, और वैसे ही खुल जाता है पूरा। सो गाइस कैमरा हमने रख के सेटअप कर लिया, टूल किट भी निकाल ली, और गाइस गाड़ी का साउंड आ रहा हो ना तो भाई इग्नोर करना, क्योंकि बगल वाला पागल हो चुका है। और
ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहता मैं, क्योंकि भाई मेरा पीसी से पास यार ज़्यादा है, मेरा मन नहीं करा इसको एक छेड़ने का, बाई चांस टूटा ना मेरे लिए बार बार, तो इसको रहने देते हैं। सरकेगा तो नहीं, नहीं मेरे साथ सरकना होगा। अब हम निकाल लेते हैं अपनी स्टोरेज। सिस्टम लैग कर जाता है एक बार, इसकी जो हीट पैड है ना वो क्लीन कर देता हूं।
एंड वो और अपने मुंह से बना रखा है। बाकी नॉर्मल छोटे मोटे फोन गाइस इसको थोड़ा ढंग से लॉक करना ताकि आपको इसको डैमेज ना कर सके। मैं तो बस इसे हल्का सा डैप करता हूँ Yeah.
लग गया है इसका HDMI केबल। देखो कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं होती ना पीसी की, मैं समझा देता हूँ। ये DVI का पोर्ट है, ये ग्राफिक कार्ड का डिस्प्ले पोर्ट है, नीचे HDMI का भी है। और HDMI एक मदरबोर्ड के लिए होता है, क्योंकि मदरबोर्ड से अगर आपका ग्राफिक कार्ड में APU है तो वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक से भी चल सकता है, तो तब ये डिस्प्ले पोर्ट काम आता है। एक VGA का पोर्ट भी दे रखा है इसमें, HDMI का पोर्ट भी है, DVI का भी है, ईथरनेट का भी है, दो उसके वो हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ के एंटीनास, और नीचे माइक ऑक्स, और एक उसके लिए है शायद स्पीकर के लिए। तो ये कुछ नट्स का वो है, और वैसे इसमें वर्टिकल GPU माउंट भी है, तो बढ़िया चीज़ है। तो पहले अपने हम हेडफोन्स के वायरिंग कर देते हैं। हमारे यहाँ लगे थे, सबसे आगे हेडफोन्स, और ये वाले हमारा माउस केबल, माउस हमारा इधर जाएगा नीचे वाले में, क्योंकि ये RGB वाले हैं तो 3.1 में ज्यादा सही रहते हैं। और हमारा कीबोर्ड PSU का केबल हमने लगाई दिया है, ये रहा हमारा उसका केबल। ईथरनेट मैंने अभी यूज करना बंद कर दिया, तो ईथरनेट में लगा नहीं था। और बाकी हमारे एंटीना के पोर्ट्स, एंटीना भी लगा दिए, क्योंकि मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी CPU की वायरिंग, जो कि जिसको भी नहीं आती होगी ना, तो वो देख के समझ जाएगा कि इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। और बात करें तो ये वायरलेस वाले माउस की, तो वायरलेस माउस में तो आपको सिर्फ प्लग इन प्ले USB लगा हुआ काम हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपकी ये वीडियो भी क्लियर हो। Can anybody out there?